वेलकम बैक टू ग्लोबल इंफ्राटेक। दोस्तों आज का हाउस प्लान हमारे पास देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 24x35 का, यानी दोस्तों ये विड्थ के अंदर 24 फीट का रहेगा और डेप्थ के अंदर दोस्तों ये रहने वाला 35 फीट का। और दोस्तों बता दिए 2 BHK का हाउस प्लान हमारे पास आपको देखने को मिलेगा दोस्तों ईस्ट फेसिंग का। और दोस्तों इस हाउस प्लान के अंदर हम आपको एलिवेशन भी क्रिएट करके दिखाएंगे और साथ ही साथ में दोस्तों यहाँ पे हम इसको फर्नीचर सेटअप करने के बाद प्रॉपर यहाँ पे ओपनिंग वगैरह सब कुछ दोस्तों इसके अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें तो दोस्तों आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। और दोस्तों बता दें इस हाउस प्लान के अंदर हमारे पास दोस्तों ये चेयर लेवल आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 1.5 फीट का। और दोस्तों कोशिश करें आप अपने एरिया का रोड रेफरेंस ले लें और दोस्तों कोशिश करें रोड लेवल से इसको 1.5 से 2 फीट आप रेस करके ही दोस्तों यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करवाएं, सो दैट दोस्तों इन फ्यूचर आपको सीलन से रिलेटेड कोई भी फिर प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी आपके हाउस के अंदर। और दोस्तों बता दें यहाँ पे हमारे पास फ्रेम स्ट्रक्चर टाइप दोस्तों रहने वाला है। और बता दें दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये 12 नंबर देखने को मिलेंगे आपको कॉलम्स के अंदर। और दोस्तों अगर कॉलम साइज की बात करें तो कॉलम साइज हमारे पास देखने को मिलेगा 10 इंची बाय 10 इंची का। और दोस्तों बता दें यहाँ पे इन्फोर्समेंट या फिर सरिया जो हमने प्रोवाइड करा है दोस्तों 4 रॉड्स रहेंगे यहाँ पे वर्टिकल 12 mm की। और दोस्तों यहाँ पे टाई या फिर रिंग के लिए दोस्तों 8 mm का स्टील यूज करेंगे और 6 इंची की दूरी पे दोस्तों प्लेस करेंगे सेंटर टू सेंटर। और दोस्तों अगर फुटिंग की बात करें दोस्तों फुटिंग की जो डेप्थ रहेगी दोस्तों ये आपकी सॉइल कंडीशन के हिसाब से रहेगी। और दोस्तों अगर नॉर्मल सॉइल कंडीशन है तो आप 4 से 5 फीट की प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर फुटिंग का साइज की बात करें दोस्तों यहाँ पे 4x4 का प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों और 12 mm का स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों बोथ साइड 6 इंची के गैप पे। और दोस्तों अगर प्लिंथ बीम की बात करें दोस्तों यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल यहाँ पे 12 mm के 4 रॉड्स प्रोवाइड कर सकते हैं। और दोस्तों स्टेरअप या फिर रिंग के लिए दोस्तों 8 mm का स्टील ही यूज कर सकते हैं दोस्तों 6 इंची की दूरी पे। तो चलिए दोस्तों फिर इस हाउस प्लान के अंदर हम यहाँ पे एलिवेशन वगैरह क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों बिल्कुल डिटेल में यहाँ पे फिर डिस्कस करते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों आपको हमारी वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे एलिवेशन में मिलते हैं और इसको डिटेल में देख लेते हैं फिर। चलिए दोस्तों यहाँ पे एलिवेशन इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों यहाँ पे मॉडल टाइप, हालांकि ये रहेगी क्योंकि दोस्तों यहाँ पे रियलिस्टिक बनाने में दोस्तों क्योंकि यहाँ पे काफी टाइम जाएगा। तो दोस्तों बता दें अगर आप हमसे अपना घर दुकान या फिर किसी भी तरह का कमर्शियल डिजाइन अगर दोस्तों आप बनवाना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको बिल्कुल रियलिस्टिक रेंडर्स और वॉक थ्रूज वगैरह प्रोवाइड करे जाएंगे, बिल्कुल दोस्तों ये डिटेल ड्रॉइंग्स आपको देखने को मिलेंगी। और दोस्तों बता दें ये पेड सर्विसेज रहेंगी। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे एलिवेशन में अगर हम देख लें दोस्तों यहाँ पे तो हमारे पास चेयर लेवल जो कि हमने 1.5 फीट का प्रोवाइड करा है ये हमने दोस्तों ऑल ओवर यहाँ पे मार्क करा हुआ है, इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों बता दें यहाँ पे हाउस एंट्री के लिए आपको 3 स्टेप्स इस तरह से देखने को मिलेंगे दोस्तों, 6 इंची की राइजर हाइट रहेगी और ये 4 फीट दोस्तों वाइड आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अगर ज्यादा भी करना चाहें तो। फिर दोस्तों अगर बता दें यहाँ पे मेन डोर एंट्री का साइज देखने को मिलेगा दोस्तों 3.5x7.5 का। और दोस्तों बता दें यहाँ पे एक्सटीरियर वॉल विड्थ हमारे पास दोस्तों देखने को मिलेगी 9 इंची की और इंटीरियर वॉल विड्थ रहेगी दोस्तों 6 इंची की। और दोस्तों मकान की हाइट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 10.5 फीट की। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रंट डोर से जैसे ही फिर हम एंट्री लेंगे दोस्तों यहाँ पे आपको एक स्मॉल यहाँ पे 2 व्हीलर वगैरह आप यहाँ पे स्टेयर के नीचे दोस्तों यहाँ पे आप पार कर पाएंगे। और दोस्तों अगर स्टेयर की बात करें दोस्तों ये क्लॉकवाइज स्टेयर की देखने को मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे राइजर हाइट आपको देखने को मिलेगी 7.5 इंची की और ट्रेड रहेगा दोस्तों यहाँ पे 10 इंची का। और दोस्तों अगर फ्लाइट विड्थ की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों 3 फीट की आपको देखने को मिलेगी इस तरह से। तो फिर इस तरह से ये शानदार सा दोस्तों चेन टाइप का स्टेयर केस आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों आगे बढ़ने पर यहाँ पे एक और डोर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों 3.5x7.5 का, ये भी आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों अगर चाहें तो यहाँ पे आप गेट वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं दोस्तों, अगर वाइड प्रोवाइड करना चाहें तो यहाँ पे आप 4.5x7.5 का भी दोस्तों यहाँ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। और चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे आगे बढ़े दोस्तों सेकंड डोर से, तो यहाँ पे आपको एक कॉमन लिविंग कम डाइनिंग एरिया देखने को मिलेगा, काफी स्पेशियस दोस्तों एरिया रहेगा। इस तरफ से दोस्तों लेफ्ट में हमने यहाँ पे एल शेप का सोफा प्लेस करा हुआ दोस्तों, और दोस्तों राइट में यहाँ पे हमने डाइनिंग टेबल प्लेस करा है दोस्तों, बिल्कुल ये 6 सीटर यहाँ पे डाइनिंग टेबल आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों यहाँ पे हॉल वेंटिलेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हॉल वेंटिलेशन के लिए दोनों तरफ से दोस्तों विंडोज रहेंगी। राइट विंडो की बात करें दोस्तों यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा 6x4.5 फीट का। और दोस्तों बात करें यहाँ पे लेफ्ट वाले विंडो की दोस्तों यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा आपको दोस्तों 5x4.5 फीट का। तो दोस्तों इस तरह से फिर ये विंडोज रहेंगी। और दोस्तों बता दें हॉल से दोस्तों इस तरफ से अगर बात करें तो यहाँ पे आपको एक शानदार सा किचन देखने को मिलेगा दोस्तों फ्रंट में। और दोस्तों इसका जो डोर रहेगा दोस्तों ये लिविंग एरिया से होकर रहेगा और साइज देखने को मिलेगा दोस्तों 3x7.5 फीट का। और दोस्तों किचन वेंटिलेशन के लिए आपको फ्रंट में यहाँ पे विंडो देखने को मिल जाएगी दोस्तों, इसका साइज रहेगा दोस्तों 4x3.5 फीट का। और फिर दोस्तों इस तरह से वेंटिलेशन होता रहेगा किचन का। दोस्तों किचन के लिए प्लेटफॉर्म की बात करें यहाँ पे एल शेप का आपको शानदार सा प्लेटफॉर्म देखने को मिलेगा, 2 फीट दोस्तों ये वाइड रहेगा और हाइट में रहेगा दोस्तों 34 इंचीज का। और दोस्तों फिर लिविंग एरिया से आगे बढ़े दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों तरफ से दोस्तों वॉशरूम देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों राइट तरफ अगर बात करें यहाँ पे आपको कॉमन लैट बाथ मिल जाएगा। और दोस्तों फिर बैक साइड में आपको 2 यहाँ पे बेडरूम्स देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों अगर वॉशरूम की डोर की बात करें दोस्तों यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा 2.5x7.5 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे वेंटिलेटर की बात करें दोस्तों यहाँ पे 2x1.5 फीट का यहाँ पे वेंटिलेटर देखने को मिलेगा दोस्तों दोनों वॉशरूम के लिए। और फिर दोस्तों अगर बात करें बैक साइड बेडरूम्स की तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पे बेसिक बेड्स यहाँ पे प्लेस करे हुए हैं। और दोस्तों रिमेनिंग स्पेस के अंदर अगर आप यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट या फिर स्टडी टेबल वगैरह प्लेस करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे इजिली। और फ्रंट वॉल्स के अंदर दोस्तों अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप एलईडी टीवी वगैरह भी इजिली यहाँ पे माउंट कर पाएंगे। और दोस्तों अगर विंडो ओपनिंग की बात करें दोस्तों दोनों बेडरूम के लिए तो साइज देखने को मिलेगा दोस्तों 6x4.5 फीट का दोनों बेडरूम के लिए। और दोस्तों दोनों बेडरूम के डोर का साइज दोस्तों देखने को मिलेगा यहाँ पे 3x7.5 फीट का। और दोस्तों बता दें यहाँ पे जो हमारे पास बैक साइड में लेफ्ट वाला जो बेडरूम दोस्तों देखने को मिल रहा है इसके साथ आपको अटैच वॉशरूम देखने को मिल जाएगा और इसके अंदर भी लेट और बाथ दोनों कंबाइन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से दोस्तों ये शानदार सा हाउस प्लान आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों 24x35 का और ये 840 स्क्वायर फीट का दोस्तों ये हाउस रहेगा। तो चलिए दोस्तों फिर यहाँ पे हम डायमेंशन को देख लेते हैं यहाँ पे क्या कुछ दोस्तों यहाँ पे हमारे पास परफेक्ट साइजेस देखने को मिलेंगे दोस्तों रूम्स वगैरह के वो देख लेंगे और साथ ही साथ में दोस्तों ये भी बताएंगे कि इस घर को बनाने के लिए कितना खर्च आ सकता है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं यहाँ पे डायमेंशन के अंदर और देख लेते हैं फिर दोस्तों अगर डायमेंशन की बात कर लें इस हाउस प्लान के अंदर तो दोस्तों
यहाँ पे प्लॉट साइज देखने को मिलेगा 24x35 का, जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। दोस्तों बैक साइड से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट बेडरूम की बात करें दोस्तों लेफ्ट में यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा 11x11 फीट का। दोस्तों राइट बेडरूम की बात करें यहाँ पे दोस्तों साइज देखने को मिलेगा 10x11x11 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे अटैच वॉशरूम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे 7x4 फीट का। और दोस्तों यहाँ पे कॉमन लेट बाथ की बात करें दोस्तों साइज देखने को मिलेगा यहाँ पे दोस्तों 7x1x1.25x4 फीट का। और दोस्तों अगर लिविंग डाइनिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा 22.5x9x6 इंच का। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे स्टेयर केस वाले एरिया की दोस्तों यहाँ पे साइज देखने को मिलेगा 13x7 फीट का। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे किचन एरिया की तो साइज देखने को मिल जाएगा दोस्तों आपको यहाँ पे 9x7 फीट का। तो इस तरह से दोस्तों शानदार सा हाउस प्लान आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। और बता दें इस तरह के घर को बनाने के लिए दोस्तों 8 से 10 लाख का खर्चा आ सकता है। और दोस्तों एरिया टू एरिया भी वेरी कर सकता है, मेटीरियल और लेबर कॉस्ट पर भी ये डिपेंड करेगा। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर करना।